नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मेरा कुकिंग चैनल भी है दोस्तों, गीता कुकिंग वर्ल्ड करके, आप उसको भी सब्सक्राइब तो लाइक करना है और आगे बढ़ाना है चैनल को, और मेरी हर डिश आपने देखनी है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण की टिप्स लेके आए आपके लिए, जो बहुत जन जो नए लोग सीखते हैं, मैं हमेशा ज़्यादा से नए लोग सीखने की इसमें उनको भी जरा आना चाहिए, वो हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ। जो सीखे उनको भी खास ये टिप ध्यान देनी है। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रही थी दोस्तों, ये सीधा क्यों नहीं होता है, जब हम फिटिंग करते हैं तो अपनी सीधी क्यों नहीं होती है लाइन, तो इसमें थोड़ा डाउट्स क्लियर करोगी। और कटोरी भी छोटी आ रही, बोले बहुत कमेंट आ रही थी मुझे व्हाट्सअप पे भी और कॉल भी आ रहे थे मुझे, तो मैंने डाउट्स क्लियर किया। तो मुझे ऐसा लगा चलो हम एक वीडियो अपलोड ही कर लेते हैं उसके लिए खास स्पेशल, चलो फिर अभी ध्यान देते हैं खास करके। जैसे कि अभी मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है दोस्तों, 28 से 48 तक जितने अपनी चेस्ट है वो सब मैंने चार्ट बना के दिया है। तो अभी हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी ये 28 है। अभी बहुत सारे जनों को क्या होता है, फोर्थ में डिवाइड करना भी आता नहीं है और मतलब चौथे भाग करना नहीं आता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले वही से अपना ब्लाउज रेडी होता है, जो आपको जो फोर्थ में डिवाइड ही नहीं आएगा तो ब्लाउज आएगा ही नहीं आपको। तो मैं एकदम शॉर्टकट और बहुत आसान तरीके, अभी जो 28 है, अभी अपना 28 किधर है दोस्तों, ये है अपना 28। ओके, अभी मैं चार भाग करूंगी यानी चौथे में डिवाइड करूंगी। ये जो अपना नोक है यहाँ इस पे रख दूंगी, देखो तो इसको ये एक भाग हुआ अपना। ओके, ये वन और अभी ये कितना हुआ 14 को मैंने और एक प्लस कर दिया, मतलब मोड़ दिया टेप, यानी 7 में इधर आधा इंच बढ़ाना है। लूजिंग के लिए नहीं बढ़ाया तो भी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्जिन ज्यादा ही रखते। ओके, ऐसा फोर्थ में डिवाइड बोलते हैं इसको। अभी बहुत जन को मतलब फोर्थ में डिवाइड क्या है, चौथा भाग क्या है, बहुत अलग अलग भाषा के अलग अलग बोलने की लैंग्वेज रहती है। तो आपको मैं बता रही हूँ चौथे में डिवाइड यानी कि ऐसा चौथे में डिवाइड आप कर सकते हो, जो पढ़े लिखे ने तो वो भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ओके, अभी हम 28 का लेने जा रहे हैं दोस्तों। अभी मुझे बता रहे हो मुझे 13, अभी 13 भी बोल सकते हैं। ओके, अभी अपना 13 होगा डेढ़, जब ये 28 का है ना तो मैं 13 यहाँ लूंगी, डेढ़ लूंगी, यहाँ मेरा 13 होगा डेढ़, यानी 1 and 5 मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये डेढ़ का 13 है मेरा। और गला होगा 6 साढ़े 6, जो होगा वो आप लेना है, 6.5 ही रहता है, ज्यादा रहता नहीं, तो 6 साढ़े 6 पे रहता है। और यहाँ डेढ़ लिया तो यहाँ 2.5 लेना है दोस्तों। यहाँ मैं बहुत प्लीज आप देख रहे हैं, मैं एकदम दिल से आपको बता रही हूँ दोस्तों कि आपको ब्लाउज आना ही यानी आना ही है। यहाँ मैंने 2.5 लिया हुआ है, जब यहाँ अपन तीरा कम लेते हैं तो यहाँ 2.5 लेना है दोस्तों। और मैं इधर स्क्वायर कर लूंगी, ये अपना गोल शेप में यहाँ से दे दूंगी, यानी मैंने चौथे में डिवाइड ऑलरेडी करके रखा है दोस्तों। अभी मेरी क्रॉस पट्टी होगी 3, सिल्के 3.5, सिल्के 2.5 आ जाएगी। और यहाँ 7 3 लिया तो यहाँ मैं 2.5 लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। ओके, ये मेरी क्रॉस पट्टी है 3 और ये 2.5। ओके, और आपको कटोरी तो मालूम है कैसे बढ़ाने, और मैंने एक वीडियो प्लीज एक का स्पेशल मैंने अपलोड किया कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है, वो आपने देखना है, इसके अंदर मैंने बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। अभी कटोरी मेरी है 5। ओके, यहाँ मैंने 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से राउंड दे देना है, जरा लैंग ज्यादा हो गया ना लंबा, खुद आप प्लीज अच्छा करना है, देखना है थोड़ा। ओके, ऐसा है ये कटोरी मेरी 5 है। कभी आपको छोटा लगा तो आप यहाँ भी 5.5 ले सकते हो। और तीरा मेरा है 1.5 इंच। ओके, ये अपना 28 का नाप हो गया दोस्तों। और आधा इंच यहाँ अंदर जाना है, यहाँ से मैंने गोलाई कर ली है दोस्तों, ये अपना हो गया है। अभी 30 का देखेंगे, 30 का भी वैसा ही है, 3 लेंगे और यहाँ भी 2.5 लेंगे, सेम वही सेम, इसमें कुछ फर्क है ही नहीं दोस्तों। ओके, अभी यहाँ भी मैं 1.5 का तीरा लूंगी और 6 का गला ले लूंगी और यहाँ भी 2.5, ये सब में 2.5 लेना है दोस्तों, खाली जो बड़ा चेस होगा तो उसमें 3 लेना है। मैं जैसे एक एक डायग्राम आपको करके बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ गोल राउंड दे देगी। अभी यहाँ मेरा 5 होगा तो यहाँ 5.25 जैसी कटोरी ले लूंगी मैं। ओके,
और यहाँ एक ऊपर जाना है, यहाँ से एक ऊपर जाना है, मैं जैसे लिख रही हूँ। ऐसे कटोरी का सेप भी आना चाहिए दोस्तों, और यहाँ भी आधा इंच अंदर जाना है, जैसे मैं सब में आधा इंच जाना है और यहाँ से गोलाई कर लेनी है ऐसा। अभी 32, अभी 32 में क्या करना है, यहाँ भी डेढ़ का तीरा लेना है। कहाँ का डेढ़ का लेना है आपको बता रही हूँ, क्योंकि अपना शोल्डर गिरेगा नहीं, जो आपका गला बड़ा होगा तो इससे क्या होगा अपना शोल्डर पैक आ गया। यहाँ ढाई लेना है, यहाँ भी मैं राउंड कर लूंगी दोस्तों। आप ये इस्तेमाल से आप करोगे ना, आपका ब्लाउज एकदम करेक्ट यानी 100% एकदम अच्छी तरह से आएगा दोस्तों। और आपका जो जिसकी सीधी लाइन नहीं आएगी, जिसकी भी सीधी लाइन इधर अच्छी तरह से आ जाएगी। अभी मेरी क्रॉस पट्टी होगी 3, यानी योग पट्टी बोला जाता है दोस्तों, और यहाँ 2.5। ओके, कटोरी मेरी 5 है, यहाँ भी ऐसा 1 इंच ऊपर जाना है। ओके, ये मैं लिख रही हूँ, यहाँ 1.5 और यहाँ 2.5, यहाँ लेना है। मैं बता दे रही हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ 1.5 और यहाँ 2.5। ओके, और ये क्रॉस पट्टी 3। आपको जब ब्लाउज का नाप लेना हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो वैसे भी आप ले सकते हो दोस्तों। एक क्या, मैं आपको जो नहीं समझ में आ रहा, बहुत जनों की बहुत मतलब मुझे कमेंट आई रही थी कि बाबा कटोरी छोटी हो रही है, गला ऐसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा स्पेशल आपको एक डायग्राम करके मैं आपको एक डेमो बता देती हूँ दोस्तों। ओके, अभी 32 का तो मैं 2 का लूंगी तीरा, यहाँ मैं 2 लिख रही हूँ, 6.5 का गला होगा मेरा, यहाँ 2.5 ले लूंगी और मैं ऐसा स्क्वायर कर लूंगी गला, जो अपने को अच्छा लगा वो गला ले लेना है दोस्तों। ओके, यहाँ मैं 3.5 या 3 का ही ले लूँ, ज्यादा लेना नहीं है, कि ज्यादा से ज्यादा सिल के 3 तलक आ जाता है। कटोरी मेरी 5.5 होगी, और यहाँ भी ऐसा ही जैसे 1 इंच जाते हैं वैसे इसको भी 1 इंच हम यहाँ जाएंगे। ओके, इसको भी ऐसा गोल कर लेंगे, इसको भी 1/2 इंच जाना है, यहाँ 1/2 इंच में लिख रही हूँ, सब में 1/2 इंच अंदर जाना है दोस्तों। ओके, अभी 36, अभी 36 का बताना है। 36 का भी तीरा मेरा 2 होगा, इसको भी 2 लिख रही हूँ, यहाँ ऊपर मैं लिख रही हूँ, जैसे जैसे आपको बताना है मुझे, फिर आपको नहीं लगना चाहिए मैम ने क्या बताया, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, यानी बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि मैं हर ब्लाउज मेरे सिलती में कस्टमर का तो मैं यही यूज करती हूँ दोस्तों। इससे क्या आता है, अपना दोरी नहीं लगाए तो भी चल जाता है, कितना भी आपका बड़ा गला हो तो आप नहीं दोरी लगाए तो भी चलता है, क्योंकि इसका तीरे के मेन तीरा ही है और नाप है दोस्तों। अभी मेरा होगा 3.5 होगा, सिल के 3 आ जाएगा, यहाँ मैं 3 ले लूंगी, क्योंकि 36 का है ना दोस्तों, इसीलिए वैसे ही। और कटोरी मेरी होगी 6.5 तलक हो जाएगी, जैसे अपने पे कैसे अपने को लगवानी है वैसे आप लगवा सकते हो। ओके, अभी यहाँ मैंने 2.5, ये 3.5 और ये 3 ऐसा। ओके, अभी 32 और 42 में कुछ फर्क रहता नहीं, सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कुछ खाली इसमें क्या होता है, मार्जिन बढ़ता है और इसमें भी मार्जिन बढ़ता है, बाकी इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों। अभी 38, अभी 38 का भी तीरा हम कितना लेंगे, 2 ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि 2 लेने से अपना गला अच्छा तरह से बैठ जाएगा, और ये गला होगा मेरा 6.5, और यहाँ मैं 2.5 ले लूंगी, स्क्वायर बना लूंगी, जहां आपने जो गला चाहिए आप वो शेप में लगा सकते हो दोस्तों। ये 2 का तीरा है, 2.5 नीचे है, और मेरी 3.5 की क्रॉस पट्टी है। आप जैसे जैसे सिलते जाओगे ना दोस्तों, तो आपको ये सब मतलब लर्न हो जाएगा, आपका पूरा पार्ट हो जाएगा, कि आप उन लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है। आप कौन से भी चेस का बताओगे, अरे वाह ये सिलना रहे, इसकी तो इतनी कटोरी होती, आप बिंदा आंख बंद करके बोल सकते हो दोस्तों। अभी कटोरी मेरी यहाँ 6, 38 का है ना, और यहाँ 1 इंच में ऊपर जाओगी, सब में 1 इंच ऊपर जाना है दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं, खाली इसमें कटोरी बढ़ रही है ऐसे। ओके, अभी मैंने यहाँ 3.5 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया है। अभी सबसे बड़ा 40 का भी कितना लेना है मुझे, तीरा 2.5। अभी इसमें मैं 2 नहीं ले सकती दोस्तों, आपको लगा आपका गला बड़ा होगा, पीछे का बैक साइड आपको बड़ा चाहिए, खुली पीठ चाहिए, तो आप 2 लेना है, और किसी की कम खुली पीठ होगी तो उसने अपने 2.5 लेना है। ओके, अभी यहाँ मैं 2.5 ले लूंगी, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ, और गला होगा मेरा 7, जहां हैवी चेस होगी तो उसको फिर टाइट हो जाएगा, कम इधर ले लेंगे। ओके,
अभी हम इसको राउंड शेप दे देंगे। अभी यहाँ भी 3.5 का क्रॉस पट्टी लेके यहाँ नीचे 3 उतर जाएंगे, सिल के 3.5 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अभी मेरी कटोरी होगी यहाँ की 7, 1 इंच ऊपर जाएगी। ओके ऐसा, ओके देखो यहाँ 3.5 और ये 3 और कटोरी मेरी 7 ऐसा। तो ये तो आपको मालूम है, जैसे वैसे ही करते जाना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों। अभी 42 में भी वैसा ही लेना है, 7 का गला है, 2.5 का तीरा है मेरा, और यहाँ भी 2.5 का लेना है, 2.5-3 तलक ले सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम। तो आपका गला खींचेगा नहीं, जैसे है वैसे ही आएगा। अभी ये 3.5 की क्रॉस पट्टी है, यहाँ 3 ले लूंगी, सिल के 2.5 आ जाएगा और यहाँ ऊपर 3.5 का 3 आ जाएगा। यहाँ भी कटोर मेरी 7 की होगी और 1 इंच में यहाँ ऊपर जाओगी, कटोरी 7, ये 2.5, ये 2.5 और ये 3.5 और ये 3, मैं बता रही हूँ आपको। अभी 44 में मेरा तीरा होगा 3 का, तीरा 3 है, गला 7 है दोस्तों मेरा, और यहाँ भी 3 ले लूंगी और स्क्वायर बना लूंगी इसको और राउंड शेप दे दूंगी। ओके अभी यहाँ मेरा 3.5 का, सब में 3.5 ही आता है दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं, क्योंकि कटोरी बढ़ जाती है ना, इसीलिए ज्यादा आप क्रॉस पट्टी मत लेना। और यहाँ मेरा 7.5 की कटोरी रहेगी ऐसा। ओके अभी 48 सबसे हेवी स्टेज, कि बहुत जनों को आता नहीं है ब्लॉग, अभी इसमें जरा थोड़ा फोकस देना है आपने। अभी मेरी तीरा होगा 3 का होगा, गला मेरा होगा 7.5 का या 7 का होगा, ज्यादा ऊपर लेना नहीं, नहीं तो चेस पूरी अपनी दिख जाएगी। ओके यहाँ मेरा यहाँ जहाँ 3.5-3 लिया, यहाँ भी 3 ही लेना है दोस्तों, और राउंड शेप दे देना है, और यहाँ 3.5 और ये 3, मैं लिख रही हूँ, मुझे आपको मालूम पड़ना चाहिए। प्लीज आप एक पेपर पे डायग्राम निकाल लेना है और इसमें पूरा ड्रॉ कर लेना है। कटोरी मेरी होगी 7.5 है ना, ऐसा कटोरी है 7.5। कभी आपको छोटी लगी कटोरी तो 1/2 पाव इंच जैसा बढ़ा सकते हो दोस्तों। अभी मेरा 46 का है, ये भी 3 का शोल्डर लूंगी, और गला मेरा 7 है, ये भी 3 ले लूंगी, सेम वही प्रोसेस है, कुछ इसमें अलग नहीं है दोस्तों। और 3.5 और ये 3 और 7.5 तलक कटोरी हम ले लेंगे, थोड़ा 1 इंच यहाँ ऊपर जाएंगे, 7 में 2+ मैंने क्या मतलब 7.5 हो गए। ओके ये 3.5 और ये 3, ये अपने ऐसा डायग्राम है दोस्तों, अभी आपने देखना है। प्लीज मैंने आपको बता रही हूँ अभी एक बार, अभी ये क्या 28 है, अभी 28 में 28 और 30 में कुछ फर्क रहता नहीं। अभी आपको ब्लाउज आया होगा किसी का सिलने के लिए, अभी 28 है तो 29 का ब्लाउज आया, अभी इसको चेस्ट 29 है तो अरे बाबा अभी क्या करें, तो कुछ टेंशन है, 30 का माप ले लेना है, 4 में डिवाइड करना है, डिवाइड यानी क्या करना है, ये 4 में डिवाइड करना है और कमर चाइड चेस्ट और कमर ये 4 में डिवाइड करना है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया सेम वैसे ही लेना है, इसमें कुछ करना है नहीं। आपको आपको लगा मेरी कटोरी छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है तो 1/2-1 इंच बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और मैंने कटोरी बताई थी आपको कैसी बढ़ाने, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, वो वीडियो आप देख लेना है खास करके स्पेशल। और ऐसा ही मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, मैं हर टिप्स आपके लिए बताती जा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।